हेलो गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द बी कैम पिक्चर्स। सो गाइज यार आज की इस वाली वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग जो कि दिखने में काफ़ी कमाल सी लग रही है। एंड अगर आप लोग भी करना चाहते हो कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग तो वीडियो को आपको देखना होगा एंड तक। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कर देना एक लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन कॉल पर सेट कर लेना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज आज की इस कमाल के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके गाइज लाइटरूम में आपको अपने फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेना है। एंड आप यहां देख सकते हो मैं फ़ोटो को इंपोर्ट कर चुका हूं। तो यहां पे हम लोग को सबसे पहले जाना है इस लाइट वाले आइकन पे, आपको यहां पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहां से आप कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर देना है। मैं यहां पे 29 रख देता हूँ, आप लोग अपने मुताबिक लाइट एडजस्ट कर लेना अपने फ़ोटो में। एंड यहाँ से हाईलाइट को मैं थोड़ा माइनस की ओर रखता हूँ। एंड शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक्स को भी मैं थोड़ा माइनस की ओर रखता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको फिर से टैप करना है, आप सिंपली यहाँ से बैक आ जाओगे। ओके, एंड यहाँ पे आपको उसके बाद इस कलर वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इसका वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर देना है। मैं यहाँ पे 26 रख लेता हूँ, 26 रख लेता हूँ यहाँ पर मैं। एंड उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको कलर का आइकन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको काफ़ी सारा कलर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में यहाँ पर मिल जाता है आपको पिंक कलर, तो पिंक कलर के ह्यू को मैं यहाँ पे -10 रख लेता हूँ। एंड सैचुरेशन को यहाँ पे 11 रख लेता हूँ। ओके, एंड उसके बाद आपको जाना है इस ऑरेंज वाले आइकन पे। एंड इसके ह्यू को मैं इतना रख देता हूँ -6, एंड सैचुरेशन को मैं -14 रख देता हूँ। एंड ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पर मैं 16। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको येलो कलर पर जाना है एंड इसके ह्यू को फुल 100 कर देना है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रीन कलर पे आना है एंड इसके ह्यू को यहाँ पे इतना ही रखना है। एंड उसके बाद इसके सैचुरेशन को फुल कर देना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको सियान कलर पे आ जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे सियान कलर पे आपको इसके ह्यू को -20 रख देना है एंड सैचुरेशन को यहाँ पे 18 इंक्रीज़ कर देना है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर आप आ जाओगे ब्लू कलर पर। एंड ब्लू कलर पर आने के बाद इसके ह्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ -22 एंड सैचुरेशन को यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 33 और ल्यूमिनेंस को यहाँ पे मैं -29 रख देता हूँ। ओके, इतना होने के बाद आपको यहाँ से कर देना है आपको डन। एंड डन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे टैप करना है, आप बैक आ जाओगे। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको चलना है इस वाले आइकन पर, आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको टेक्स्चर को इंक्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पर टेक्स्चर आप 23 रख लेना एंड क्लियरिटी का आप लोग अपने मुताबिक बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जितना आप क्लियरिटी बढ़ाओगे उतनी आपकी फ़ोटो शार्पनेस लगने लगेगी, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी फ़ोटो में। तो यहाँ पे मैं क्लियरिटी इतना रख लेता हूँ 14। एंड उसके बाद यहाँ से आपको डेज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड विंटेज को, सॉरी गाइड विगनेट है विगनेट, तो विगनेट को आपको यहाँ पर माइनस की ओर रख देना है थोड़ा सा। एंड उसके बाद यहाँ से आपको मिड पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, फेदर को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा एंड राउंडनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। ओके, एंड इतना होने के बाद आपको उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रायंगल वाला आइकन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। एंड यहाँ से मास्किंग को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं लगभग 22। एंड यहाँ से आपको नॉइस रिडक्शन भी इंक्रीज़ कर देना है, तो यहाँ पे मैं 22 रख देता हूँ। एंड नीचे आपको एक कलर नॉइस रिडक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको भी आपको इंक्रीज़ कर देना है। ओके, एंड फिर से आपको यहाँ पे टैप करके बैक आ जाना है। ओके गाइस, एंड उसके बाद आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है एंड यहाँ पर फिर से क्लिक करके बैक आ जाना है। ओके गाइस, तो हमारी फ़ोटो काफ़ी कमाल से एडिट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पर बिफोर दिखा देता हूँ, यह है बिफोर एंड ये है आफ्टर। ओके, तो आप देख सकते हो फोटो हमारी काफ़ी कमाल से एडिट हो चुकी है। तो इसको सेव करने के लिए सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फोटो को सेव टू डिवाइस कर देंगे। ओके, सो होप यू गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी होगी तो कर देना एक लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन कॉल पर सेट कर लेना। ओके गाइस, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।